हेलो पेरेंट्स, आज हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ेंगे। ओके, कन्वर्जन। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि डेसिमल में 0 से 9 तक नंबर होता है। ओके, और कुल नंबर 10 होता है। 0 से 9 तक डेसिमल में होता है। और ऑक्टल में बता देता हूँ कि ऑक्टल में 0 से 7 तक होता है। ओके, ऑक्टल में 0 से 7 तक और डेसिमल में 0 से 9 तक होता है। ओके, तो चलिए अब डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़ते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल का। मान के चलिए हम लोग डेसिमल का 66 नंबर लिए। ओके, और इसको हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इसको 8 से भागा देना पड़ता है। ओके, जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी 8 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 66 नहीं आता है, तो 8 के टेबल में 64 आता है। तो 64 8 बार में आता है, यानी यानी अठी अठी 64, यानी 8 बार में आता है 64। और रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 66 में से 64 घटेगा तो दो दो रिमाइंडर इसका बचेगा। ओके, तो यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ जितना बार में कटता है उतना बार में लिखते हैं। ओके, देन इसके बाद फिर 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8, यानी एक बार में कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, अब इसको नहीं काटेंगे क्योंकि एक आ गया। ओके, अब इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं रिमाइंडर को। जैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए लिखे थे, उसी तरह से हम लोग इसमें भी नीचे से ऊपर की ओर रिमाइंडर में लिखते हैं। तो नीचे पहले 1 है तो 1 लिखे, देन इसके बाद 0 है तो 0 लिखे, देन इसके बाद 2 है तो 2 लिखे। ओके, यही हम लोग को ऑक्टल में डेसिमल इसका हो गया। ओके, कन्वर्जन 102 ऑक्टल में। ओके, फिर से एक बार, पहले हम लोग रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, जो जो नंबर बनता है वही हमारा ऑक्टल नंबर होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक और एग्जांपल लेकर मान के चले कि हम लोग को कितना 72। ओके, 72 डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर है। ओके, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ओके, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ 72 को लिख लेते हैं। ओके, यहाँ 72 को लिख लें, देन इसके बाद 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड किए, 8 के टेबल में 72 आता है, शायद 9 बार में थे तो 8 9 72, यानी यहाँ 9 लिखेंगे और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? 0 बचेगा इसका रिमाइंडर, तो यहाँ 0 लिखेंगे। ओके, देन इसके बाद 8 8 से फिर लगाएंगे तो 8 एकम 8 लगेगा और इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा इसका रिमाइंडर, और 8 एकम 8 लगेगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। और अब ये रिमाइंडर को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं और यही हमारा ऑक्टल नंबर होता है। देखिए, नीचे पहले 1 है तो 1 लिखे, देन इसके बाद 1 है तो 1 लिखे, फिर इसके बाद 0 है तो 0 लिखे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके,
यही हमारा ऑक्टल नंबर हो जाता है, ओके, यही ऑक्टल नंबर इसका हो गया। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले कन्वर्जन के।